हेलो, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको। और एक एक चीज हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है और जो आपकी कुमार मित्तल की बुक है, ठीक है, शायद आप कुमार मित्तल की बुक के बारे में जानते होंगे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। हम अपने ज़माने में हम लोग कुमार मित्तल की बुक पढ़े थे, अभी हम लोग जब पढ़े थे तो एनसीईआरटी उस समय नहीं थी, ठीक है। तो मैं इन दोनों बुक्स को रिलेट कर आपका ये जो लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिससे एक एक चीज़ें, जी हाँ गाइस, एक एक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, मैं आपको थोड़ी अपनी एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। ये देख सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन है नीलेश क्लासेस नाम से, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक सारा का सारा आपके सारे सब्जेक्ट का नोट्स, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि यहाँ नोट्स आपको फ्री नहीं है, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। सारे नोट्स पेड है, आपको क्लास 12 के लिए 309 रुपये और क्लास 10th के लिए 99 रुपये। मैं बता दूं कि इस 309 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स और इस 99 रुपये में क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का, और पूरे साल के लिए, ऐसा नहीं कि एक दो महीने के लिए, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, काफ़ी महंगा नहीं है, और नोट्स आपको हैंड रिटन के साथ साथ टाइपिंग दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमारी एप्लीकेशन रिलेस क्लास प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स भी नहीं लेना चाहते तो फिर भी मत लीजिए, लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें उसके अलावा फ्री है। आपको यहाँ 2-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नीलेश क्लासेस नाम से, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये पीडीएफ भेजा हुआ है, जो भी पीडीएफ होते हैं रिलेटेड यहाँ हम लोग भेजते हैं। तो आप टेलीग्राम अगर यूज करते तो नीलेश क्लासेस सर्च करिएगा, या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक कर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी रिलेटेड पीडीएफ होगा आप लोगों के एग्जाम से यहाँ पे सेंड होगा, ठीक है। तो चलिए, मैं इन सारी चीज़ों को इरेज कर लेता हूँ और हम लोग पढ़ते हैं अपना टॉपिक, अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ देखिए, हम लोग का लेसन का नाम है, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग का फर्स्ट है क्या, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ मैं वैद्युत कर लेता हूँ, वैद्युत क्षेत्र, क्लियर है। और उसके बाद है एक वैद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, ये दोनों क्या है? तो देखिए, वैद्युत आवेश तो किसी पदार्थ का गुण होता है जो उस पदार्थ में, ठीक है, क्या करता है कि किसी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न करता है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, आप ऐसे देखे होंगे, आपने अपने रियल लाइफ में रिलेट किया होगा ये चीज़ें, आपके गांव में या शहर में आप देखे होंगे जो 11,000 वोल्टेज की लाइट जाती है, उसमें आपने ऐसे कभी सुना होगा कि उसके पास जाने पर या किसी दूसरी लोहे की वस्तु को ले जाने पर, ठीक है, वो अपनी तरफ उस चीज़ को आकर्षित करती है। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये जो तार है अपने, मतलब कुछ इसका क्षेत्र है जिसमें किसी आप दूसरी वस्तु को ले जाते हैं तो अपनी ओर वो आकर्षित करता है, इसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चूंकि यह वैद्युत क्षेत्र आगे का टॉपिक है, इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी यहाँ के लिए बस इतना ही आप समझिए, क्लियर है आपको। अब देखिए, चूँकि देखिए आपके जो शुरू शुरू के क्लास 12 के जो ये लेसन है कुछ, ठीक है, शुरू के 3-4 लेसन हैं, ठीक है, ये सारे स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, ऐसे आप लोग देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्थिर वैद्युतिकी लिखा होगा, उसमें लिखा होगा फर्स्ट लेसन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सेकेंड लेसन वैद्युत विभव, ऐसे कर लिखा होगा। तो ये स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, आप अभी इस मतलब ये जो वीडियो आप पढ़ें इसमें, या आगे के जितनी भी वीडियो आप पढ़ेंगे, 1-2 लेसन 3 लेसन तक, उसमें हम आवेश जो है ना, आवेश यानी जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो स्थित रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं कि गतिमान रहेगा, ठीक है। और आगे हम चलकर 5वें 6वें लेसन में पढ़ेंगे, यानी चुंबक में जब चलेंगे तो उसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन एक सामान्य आवेश से गतिमान भी रहता है, ठीक है। तो ये गतिमान होने या ना होने से मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, इसको इसलिए बता रहा हूँ कि एक काफ़ी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यानी आवेश
जब आवेश का वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी यानी वेग, यानी यह गति नहीं करता है, तो आप याद रखिएगा केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव वाला क्वेश्चन है, केवल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो आवेश होता है यानी जो चार्ज होता है, ठीक है, वो गतिमान होता है, यानी गतिमान होता है, तो उसमें क्या होता है कि वैद्युत आवेश तो उत्पन्न ही, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न ही होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो तो उत्पन्न होता ही है, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जब आवेश स्थिर होता है तो उसमें केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब आवेश गतिमान होता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है आप लोग के, मतलब हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए। ये एक बार एयरफोर्स में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे से। देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए, आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ में वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युतमय प्रभाव यानी वही आकर्षित प्रतिकर्षित करने का गुण। ठीक है, तो वैद्युत आवेश की ऐसे डिफिनेशन नहीं दी जाती है ऑफिशियल, लेकिन देखिए मैं इसको इस तरह लिख दिया हूं। ठीक है, अगर हम वैद्युत आवेश की बात करें तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं आपके। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, आप पहले से भी जानते होंगे कि समान आवेश जो होते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर ढकेलते हैं। क्लियर है, लेकिन वही असमान आवेश यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस एक माइनस या एक माइनस प्लस। ठीक है, जब असमान आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी, ठीक है, किसी भी पदार्थ को तीन प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ को हम तीन प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, संपर्क द्वारा, प्रेरणा द्वारा और घर्षण द्वारा। ये तीन विधियाँ हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, इस तीनों विधियों को मतलब एकदम अच्छे से लिखा गया है, आप उसको पढ़िएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ मैं शॉर्ट में इसे बता देता हूँ। देखिए, संपर्क द्वारा तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई एक यहाँ वस्तु है तो इसके संपर्क में हम कोई दूसरी वस्तु ले आते हैं, चाहे वो अनावेशित भी हो, तो अगर ये आवेशित हो तो उसको आवेशित कर देगी। ठीक है, ये संपर्क द्वारा हो गया। प्रेरणा द्वारा मतलब, प्रेरणा का मतलब कि बिना उसको हम लोग संपर्क में लाए, ठीक है, इधर दूर दूर रखें, इसके मान लीजिए ये आवेशित है तो इसके क्षेत्र में रखें तो ये उसको भी आवेशित कर देती है, यही आपका प्रेरणा होता है। ठीक है, घर्षण क्या होता है, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में मतलब रगड़ते हैं तो वे दोनों क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती है, यानी आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि किसी भी पदार्थ को हम तीन प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, संपर्क द्वारा, प्रेरणा द्वारा और घर्षण द्वारा। क्लियर, चलिए ये हमारी एप्लीकेशन है लीलेज क्लासेस। मैं आपको फिर बता दूं, आप हमारी इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, मात्र 5 MB की है एप्लीकेशन, जो आपके बॉडी एम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। ये आप लोगों का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ये अच्छा है। ठीक है, कि आवेश की क्वांटम प्रकृति से आप क्या समझते हैं, या आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। ठीक है, देखिए आवेश की क्वांटम प्रकृति को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जिससे ये चीज़ समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, आपने कभी सुना होगा ऐसे कि 5 आदमी हैं वहाँ। ठीक है, 5 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, ऐसे आपने नहीं सुना होगा कि वहाँ 20.5 आदमी हैं। ठीक है, ऐसे आपने नहीं सुना होगा 20.5 आदमी हैं, 20.5 आदमी, ये होता ही नहीं, ये संभव ही नहीं प्रकृति में। ठीक है, 20.5 आदमी नहीं होंगे, या हम लोग कहते कि 2 आदमी है वहाँ, 1 आदमी है, ये संभव है, लेकिन हम कहते कि वहाँ 1.5 आदमी नहीं, 1.5 आदमी है, तो ये संभव है, ये कभी नहीं संभव है। क्लियर है, 1.5 आदमी नहीं हो सकते, 2 आदमी हो सकता है, 1 आदमी हो सकता है, यानी एक पूर्ण संख्या के रूप में हो सकता है, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, लेकिन कहते कि 100.20 आदमी इस तरह, सॉरी इसको 20 बोलते हैं, मैं 20 बोल दिया, दशमलव के बाद हम लोग एक एक अंक पढ़ते हैं। ठीक है, तो 100.20 आदमी हुआ, ये संभव नहीं है। ठीक है, संभव क्या है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, एक पूर्ण गुणज के रूप में, एक पूर्ण गुणज संख्या के रूप में। ठीक है, अब चलिए हम आवेश की क्वांटम प्रकृति को समझते हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, अब आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, उसी प्रकार आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश यानी वैद्युत आवेश मतलब वही इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है,
वो भी इसी तरह पूर्ण घूर्णित होता है, ठीक है। यानी वह एक हो सकता है, दो हो सकता है, पाँच हो सकता है, दस हो सकता है, ये 1.5 या 2.5 इस प्रकार या 2.1, ये दशमलव में वह नहीं हो सकता है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के यानी आवेश के इसी गुण को, इलेक्ट्रॉन यानी आवेश के इसी गुण को हम आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ये डिफिनीशन में साफ लिखा हुआ है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता अनिश्चित रूप से, यानी वही 1.5 या 2.3 इस तरह दशमलव में, ठीक है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। क्लियर? आवेश की क्वांटम प्रकृति आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा गया कि आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं तथा यह आवेश की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है? ई है, ठीक है। इसको हम मूल आवेश कहते हैं। इसके बाद हम लोग का 2e, 3e, 10e या कितना भी 100e आप लिख दिए, यानी 100e मतलब 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100.5e, ऐसा नहीं, ये गलत है। क्लियर? तो आवेश की क्वांटम प्रकृति एकदम आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, आप यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्जेबल होता है, ठीक है। प्रोटॉन का आवेश प्लस ई, यानी पॉजिटिव चार्जेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, इसका भी चार्ज लेकिन पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए अल्फा कण का आवेश लिखा है प्लस टू ई। लिखने का क्या मतलब? कि जो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के दो गुने के बराबर लेकिन पॉजिटिव होता है, या कह सकते हैं कि प्रोटॉन के आवेश के दो गुने के बराबर होता है। क्लियर है ये चीज़? तो अल्फा कण का आवेश प्लस टू ई आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये चीज़ आ गई, तो मैं यहाँ एक अलग से चीज़ लिख दिया, चूँकि इसका आप लोग की मतलब बुक में कोई जिक्र नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया हूँ, क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। अल्फा बीटा गामा कण के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अल्फा कण, बीटा कण और फिर आपने इस तरह गामा कण, इन तीनों कणों के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। चूँकि ये आपका गामा कण नहीं होता है, ये रे के रूप में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, इसको हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें इन लोगों की प्रॉपर्टी के बारे में मालूम चल जाएगा। देखिए लिखा है कि अल्फा पार्टिकल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, ओके। जो ये अल्फा कण होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इसका मतलब कि जो अल्फा कण का मतलब अल्फा कण पे चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल कैरी अ निगेटिव चार्ज, ओके। जो ये बीटा कण है ये कैरी करता है क्या, सॉरी, एक निगेटिव चार्ज, यानी बीटा कण पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। एंड गामा क्या लिखा है कि एंड गामा रेज, यहाँ देखिए गामा जो होता है कण नहीं होते, पार्टिकल के रूप में नहीं होते, बल्कि ये रे के रूप में होते, किरण के रूप में होते, ठीक है। तो गामा रे आर न्यूट्रल, ओके। यहाँ गामा जो रे होती है वो न्यूट्रल होती है, इन पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव, ये न्यूट्रल होती हैं। क्लियर ये चीज़? तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, बीटा पे निगेटिव होता है, और जो गामा होता है ये न्यूट्रल होता है। क्लियर ये चीज़? ये मतलब कंपिटेटिव एग्जाम इस समय कभी कभी पूछ देते हैं कि अल्फा कण का आवेश होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों, इनमें से कोई नहीं है, ऐसे ऑप्शन बना देगा, ठीक है। तो आप नहीं जानेंगे तो फिर भटक जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, वहीं असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। काफ़ी मस्त चीज़ है ये, हम लोग पीछे भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, वहीं असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो हम लोगों ने पीछे देख लिया कि अगर प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस चार्ज हो, अगर समान आवेश हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन वहीं जो असमान आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे कि अगर एक प्लस हो एक माइनस हो, या फिर एक माइनस हो या यहाँ प्लस हो, इस प्रकार के जो आवेश हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्लियर है आपको? और इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ये हम पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, वहीं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह मैंने स्लाइड बनाकर एक ये चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है
कि आवेश की आधुनिक परिकल्पना इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। देखिए कभी कभी पूछ देता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, कि आवेश की आधुनिक परिकल्पना इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है, यही डिफिनेशन है। अब आवेश की आधुनिक परिकल्पना क्या है, तो आवेश की आधुनिक परिकल्पना यही है कि आवेश कभी नष्ट नहीं होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। जैसे कोई यहाँ पे कण है, इस पर 10 आपके पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके 9 निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ एक जरूरत है, तो यहाँ में से एक आ जाता है, इस तरह होता है। ठीक है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में वो बदलता है, ऐसा नहीं है ठीक है कि वह नष्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यही लिखा गया कि आवेश की आधुनिक परिकल्पना, और इसी को हम आवेश की आधुनिक परिकल्पना कहते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि आवेश की आधुनिक परिकल्पना इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। इसी चीज को क्लियर है, इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। क्लियर है, तो अगर आपके एग्जाम में आए कि आवेश की आधुनिक आवेश की ठीक है आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, तो आप यही लिखिएगा सेम टू सेम कि आवेश की आधुनिक परिकल्पना ही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग का अभी फर्स्ट पेज, मैंने ये नोट्स है उसी का ये कुछ स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ बताया हुआ हूँ, इस सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो बस हम इतना ही इस वीडियो में रहेंगे क्योंकि यह अभी पहली वीडियो है। ठीक है, हम लोग की आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में हम कुलाम का नियम, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के थ्रू, तो कुलाम का नियम अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी हम छोटी ही रहने देते हैं और मैं हर वीडियो को कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा नहीं ले जाने का, 15 से 25 मिनट के बीच में ठीक है हर वीडियो को रखूँगा। हाँ, कोई लंबी जा सकती है उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि ये अच्छा रहता है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। ठीक है, तो रखने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, जितनी चीजें मैंने पढ़ाया उतनी चीजों को आप दोहराइएगा ठीक है, और उसके बाद कुलाम का नियम भी दोहरा लीजिएगा। कल आपको इसी टाइम पे ठीक है यानी शाम को 7 बजे इसी टाइम पे लाइव आपको कुलाम का नियम मिलेगा। ठीक है, तो बस रहने देते हैं, थैंक यू।